Good morning friends and welcome to Trans India, real people, real emotions. Last week we heard Amrit Madan and Malkeet Singh Bal talk about the efforts that went into getting the check post of Madhya Pradesh removed. दोस्तों ये कोई आसान काम नहीं था और इस एफर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था मध्य प्रदेश के स्टेट और लोकल एसोसिएशंस का. दे प्लेड एन इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल. लेकिन इस डेवलपमेंट के कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं. हमारी बातचीत हुई कुछ ट्रांसपोर्टर्स से जिन्होंने कहा कि अब हाईवेज़ पर कोई परेशानी नहीं है, कोई हैरेसमेंट नहीं है, कोई पैसे ड्राइवर से नहीं मांग रहा है. लेकिन साथ ही साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने ये भी क्लेम किया है कि आज भी पैसे वसूल किए जा रहे हैं और ये भी धमकी दी जा रही है कि अगर ये चेक पोस्ट वापस नहीं आए तो हम आपको और भी परेशान करेंगे. इन आवर इंटरैक्शन टुडे लेट अस टॉक टू विजय कालरा हु हैज बीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AMTC एंड CL Mukati who is also an active member of AMTC and Indore Association to know more about what's happening on the ground. इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मध्य प्रदेश के एसोसिएशंस का योगदान क्या रहा और साथ ही साथ आज के दिन इन हाईवेज पर क्या स्थिति है. Let's hear it from them on a rainy afternoon in Indore. विजय जी सबसे पहले ये बताइए ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसका इंडस्ट्री पर, ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा? इसका महत्व साहब बहुत अधिक है. हर गाड़ी वाले को काफ़ी पैसा देना पड़ता था एंट्री के नाम पर. किसी भी मध्य प्रदेश की किसी भी चेक पोस्ट पर निकलने के लिए उसका बिना एंट्री के निकलने नहीं दिया जाता था. अब कोई पैसा नहीं लग रहा है, सारे चेक पोस्ट हटा दिए गए. हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये ऑर्डर निकाल दिया था कि सारे चेक पोस्ट ख़त्म कर दिए. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर गाड़ी वाले को भी काफ़ी बचत है. जो एक्स्ट्रा पैसा होता था वो उसको बचने लगा. आज छत्तीसगढ़ से जो गाड़ी दिल्ली तरफ जाती थी उसको 5 चेक पोस्ट क्रॉस मध्य प्रदेश के करके जाना पड़ता था. आप समझ सकते हैं कि 5 चेक बॉर्डर का कितना पैसा वो भरता होगा. और हर चेक पोस्ट पर कलेक्शन होती थी, हर चेक पोस्ट पर कलेक्शन होती थी. जितने भी मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट हैं सब पे कलेक्शन होता था. एवरेज एक गाड़ी का 10,000 रुपये मान लो महीने का, पर ट्रिप का इन एवरेज. अब किसी गाड़ी का 5 है, 7 है, कोई गाड़ी लंबा रन करती है 15,000 है. अब जैसे इंदौर बॉम्बे जो चलती हैं गाड़ियाँ उनका खर्चा है. इस तरीके से 10,000 रुपये के एवरेज एक गाड़ी का मान लो. जैसे सेंधवा चेक पोस्ट से करीब 40,000 से 50,000 गाड़ियाँ निकलती हैं पर डे. मुकाती जी इस सक्सेस के पीछे लोकल एसोसिएशंस का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा. आप बताएंगे लोकल एसोसिएशंस ने कैसे सपोर्ट किया ऑल इंडिया की इस मुहिम को? क्या जब भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई थी, जब असहनीय हो गया था कि सहन नहीं कर सकते थे, तब लोगों के पीड़ा हमको सहन ही गई. हमारे पास रोज़ आए दिन वीडियो आ रहे थे, खबरें आ रही थी और वसूली भी ऐसी थी कि पहले मारेंगे, लूट, फिर उसके बाद पैसा लेंगे. और वो वसूली को धीरे धीरे उन्होंने अपना अधिकार बना लिया था. अब उस अधिकार के साथ जो परिवहन करने वाले को जो है मध्य प्रदेश के अंदर गुजरना होता था, 4 से 5 रुपये पर किलोमीटर भ्रष्टाचार का खर्चा आता था. उस खर्च का जो आसानी हो गया था, कई लोग मध्य प्रदेश में आना ही बंद कर दिए थे. कई ड्राइवर जब मोटर मालिक के पास जाते थे नौकरी करने के लिए तो वो सबसे पहले सवाल पूछता था कि मैं मध्य प्रदेश नहीं जाऊँगा, पूरे देश में चला जाऊँगा. तो मध्य प्रदेश की छवि इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी. तो उसको सोच के फिर हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया और एक संकल्प लिया कि कहीं ना कहीं हम संघर्ष करें और इस लड़ाई से इसको ख़त्म करें. सरकार के पास भी हमने कई बार पक्ष रखे, वीडियो रखे, मीडिया, आपका सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमने सबूत दिए. उन्हें भी हमने कई बार बुला कर मीटिंगें करी उनके साथ, उनको बताया कि आप हमारा साथ दें. इस भ्रष्टाचार से हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि तेल हमेशा तिल्ली से निकलता है. कहीं ना कहीं हम आम पब्लिक की जेब से निकाल रहे हैं. हर गृहिणी के घर से जो है उसका जो राशन जाता है उससे हम पैसा वसूल रहे हैं, हम इंडस्ट्री से वसूल रहे हैं, सबसे वसूल के हम इन लोगों को दे रहे हैं. और उसके कारण जो कास्ट परिवहन की मध्य प्रदेश में बढ़ रही थी, 4 से 5 रुपये किलोमीटर जो खर्चा आ रहा था, तो यहाँ का इंडस्ट्रियल, यहाँ का उद्योगपति, यहाँ का किसान अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो माल वहाँ भेज नहीं पा रहा था अपना. क्योंकि उसको जब भी हो परिवहन कास्ट ज़्यादा होती थी तो वहाँ के व्यापारी के साथ कंपटीशन नहीं कर पाता था. तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे व्यापार को घाटा होता जा रहा था, हमारा परिवहन का काम धीरे धीरे कम होता जा रहा था और गाड़ी वालों की हालत ख़राब होती जा रही थी और गुंडागर्दी बढ़ती जा रही थी और इस तरह से एक हताशा हो गए थे हम लोग भी कि अब जाएँ तो कहाँ जाएँ, क्योंकि केंद्र को भी बहुत पत्र लिखे, प्रदेश को पत्र लिखे, हर जन प्रतिनिधि को पत्र लिखे, पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। पर जस्ट अभी जब नई सरकार बनी डॉक्टर मोहन यादव की, तो उन्होंने हमसे एक मीटिंग करी थी और वादा किया था फरवरी के महीने में कि चुनाव के बाद में इन भ्रष्टाचारों को और इन चेक पोस्टों को मैं बंद करूँगा, और उन्होंने ये वादा 1 जुलाई को निभाया है और उसी के कारण आज खुशी की लहर है। और उस खुशी से आज मध्य प्रदेश के अंदर वाहन जो दौड़ रहे हैं, हर वाहन का 2 से 3 घंटे का सफ़र मध्य प्रदेश के अंदर बच गया और 15 से 20 लीटर डीजल की साथ में बचत हो गई। भ्रष्टाचार के जो पैसे जाते थे पर चक्कर पर हर बॉर्डर पर आवागमन करने का हद 1500 से 2000 रुपये देना थे, वो तो बचे ही है, साथ में 20 लीटर डीजल बच गया, समय इसका 2 से 3 घंटा बच गया। तो इंडस्ट्री को उससे निश्चित ही इतना फ़ायदा होगा कि वो एक कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अरबों करोड़ों रुपए में चला जाएगा। विजय जी, हम जब लोकल एसोसिएशंस की बात करते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर होता है उन्हें एक साथ जोड़ना। ये आपने मुहिम कैसे शुरू की और इसका परिणाम आज क्या मिल रहा है हमें? ये AMTC का जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था तो मेरा एक सपना था कि मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में AMTC का बंदा अपॉइंट करना, AMTC को तालुका लेवल तक भी लेके जाने का। तो मैंने 52 डिस्ट्रिक्ट पूरे घूमे वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद और एक एक जगह AMTC के बंदे खड़े किए। तो आज हम AMTC का कोई भी सर्कुलर निकालते हैं तो सारे एक्टिव हो जाते हैं। और आज जैसे साउथ का गाड़ी वाला किसी मध्य प्रदेश में कहीं सतना गया, उसकी प्रॉब्लम है तो किसके पास जाएगा? तो AMTC के बंदा जो हमने नियुक्त किए हुए हैं, जिला प्रमुख हमने नाम रखा हुआ, जिला प्रमुख उसका नाम दिया है, तो जिला प्रमुख के पास फ़ोन जाता है, वो उस गाड़ी वाले की मदद करता है। हमारी सोच ये थी कि गाड़ी वाले को मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो वो उसकी जाके मदद करे। इसीलिए इसी तरीके से मध्य प्रदेश को पूरा हमने एक माला जैसी परोई और पूरी माला हमने बनाई। विजय जी, एक ट्रिकी क्वेश्चन, ये जो सक्सेस मिली है हमें, इसमें ऑल इंडिया का ज़्यादा योगदान था या जो एमपी के एसोसिएशंस की गठबंधन थी उसका ज़्यादा योगदान था? इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ने क्या देखा? सब मेहनत हर आदमी की होती है। लकड़ी का बंडल जिसको बोलते हैं, सारी लकड़ियाँ इकट्ठी होती हैं तो उसको बंडल नाम दिया जाता है, नहीं तो एक को लकड़ी बोला जाता है। सारे जब इकट्ठे हुए, सभी लोग परेशान थे। AMTC ने भी मदद की, बैनर उनका था, हमारे मध्य प्रदेश के लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, सभी ने मेहनत की है। हमारी इंदौर की तीनों एसोसिएशन, भोपाल की एसोसिएशन, जबलपुर की, सतना की, इंदौर की 3 एसोसिएशन है, सब ने मिल के ये काम किया है। एक आदमी को श्रेय कभी भी नहीं, इतने बड़े काम में नहीं जाता है, सबकी मेहनत लगती है। हवन कुंड में आखिरी आहुति या हवन में डालते हैं, एक आदमी नहीं सारी आहुति डालते हैं, तो उसको हवन, संपूर्ण हवन किया है हमने और इस तरीके से संपन्न हुआ। मुकाती जी, इस सक्सेस से क्या आपको ये लगता है कि आगे चलकर हम अगर इसी तरह यूनाइटेड रहे तो हम काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं? ये जो विक्ट्री थी, ये एक हमारे यूनिटी का प्रतीक था। निश्चित, बिल्कुल, क्योंकि कुछ समय पहले जो परिवहन कानून के अंदर बदलाव किया गया था, हिट एंड रन कानून, जो धाराएँ लगाई गई थी नहीं, उस टाइम जो ड्राइवरों ने अपनी ताकत दिखाई थी, उस ताकत का कहीं ना कहीं असर सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ा और उन्हें लग गया था कि अब अगर इनकी बात हमने नहीं सुनी, क्योंकि टीम वर्क बहुत मजबूत हो चुका था मध्य प्रदेश के अंदर और बस ये आखिरी तैयारी थी और यही हमने उनको अल्टीमेटम भी दे चुके थे कि इसके बाद हम जो मध्य प्रदेश का परिवहन बंद कर देंगे और मध्य प्रदेश में व्यापार करना अब आसान नहीं है हमारे लिए, या तो आर और पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो यूनिटी और ताकत और प्रदेश लेवल में प्रदेश की यूनिट जो है हमारी संघर्ष कर रही थी और हमें जब ज़रूरत पड़ रही थी तो ऑल इंडिया हमको पूरी मदद वहाँ से कर रही थी, प्रदेश केंद्र से। तो वो जो मैसेज सरकार के पास गया कि अब ये लोग एक हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हमारी बदनामी हो जाएगी अगर प्रदेश में परिवहन बंद हो जाता है तो, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया और एक अच्छा निर्णय लिया और सरकार ने अपनी इज्जत उसमें बचाई और सरकार को कहीं ना कहीं आज बहुत राहत दी उन्हें, ट्रांसपोर्टरों को और मोटर मालिक और वाहन चालकों को, क्योंकि इंडस्ट्री में वाहन चालक नहीं थे हमारे, 20 से 25% वैसे ही कम थे। और ये प्रताड़ना पुलिस की हो या परिवहन विभाग की, उसके कारण ड्राइवर जो है नए आना ही नहीं चाहते थे इस इंडस्ट्री में और वाहन चलाना ही नहीं चाहते थे। दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं बारिश काफ़ी बढ़ चुकी है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जिसके दौरान हम अपना सेटअप चेंज करके आपके साथ तुरंत वापस आएंगे। आप देख रहे हैं ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। क्या आप जानते हैं एक ट्रक ओनर के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? अपने ट्रक के लिए रिटर्न लोड खोजना। पर अब ट्रैक इट ट्रांसपोर्ट मार्केट ने इसे आसान कर दिया है। वो कैसे? ट्रांसपोर्ट मार्केट टाइम पर ट्रैक इट ऐप में आए हुए लोड पर अपना बेस्ट रेट भेजें, माल की डिलीवरी की डेट और टाइम सिलेक्ट करें और सबमिट कर दें और ऑर्डर कंफर्म होने पर व्हीकल असाइन करें। है ना आसान? तो देर किस बात की? प्ले स्टोर ऐप पर टाइप करें TRAKET ट्रैक इट और डाउनलोड करें ट्रैक इट ऐप। स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है और इस घर का ख्याल रखना एक प्रिंसिपल के लिए आसान नहीं। पढ़ाई के साथ बच्चों का आराम, उनकी सेफ्टी, छोटी से छोटी चीज़ मेरी प्रायोरिटी है। वैसे ही स्कूल बस चुनना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। पेरेंट्स का पीस ऑफ माइंड, मैनेजमेंट का भरोसा और बजट साथ लिए चलना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी फर्म भी बनना पड़ता है। आखिर कोई अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे रहा है, कोई बजट की। लेकिन इतने सालों में एक चीज समझ आई है, अगर सही डिसीजन लें तो सबसे ज्यादा प्यार भी प्रिंसिपल को ही मिलता है। चुनिए महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बसेस। यह है मजबूत ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंटी लॉक ब्रेकिंग, एंटी रोल बार, पैराबोलिक सस्पेंशन, आईमैक्स, वाइडर सीट्स और बेस्ट इन क्लास माइलेज के साथ बच्चों के लिए सेफ और बाकी सब के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस महिंद्रा क्रूजियो स्कूल बस। वेलकम बैक टू ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। बारिश काफी बढ़ चुकी है लेकिन हम छाते के नीचे भी हमारी डिस्कशन चालू रखेंगे विजय कालरा जी और CL मुकाती जी के साथ। विजय जी, एक पड़ाव पार हो गया, आगे क्या प्लान्स हैं मध्य प्रदेश का? कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आप गवर्नमेंट के पास ले जाएंगे? सबसे पहले हम लोग अभी परसों, आज से 2 दिन पहले CM साहब माननीय मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी से मिले थे कि इसकी समीक्षा करते रहिएगा। ये जो चेक पॉइंट इन्होंने बनाए हैं इसकी समीक्षा करते रहिएगा कि समय समय पर उन गाड़ी वालों को परेशानी नहीं आवे, कि नहीं तो बाद में कि बॉर्डर ख़त्म हो गए और ये चेक पॉइंट बना दिए हैं और वही धंधा वापस चालू ना हो जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया हमको कि ये कतई नहीं होगा और हम लोग अभी उस पे जा रहे हैं कि इसमें किसी बंदे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और टोटल ऑनलाइन, जैसे गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल में एक नया सिस्टम और आ गया कि RTO के पेपर और टोल पे आने के बाद फिटनेस परमिट सब उसको वहीं दिखेगा। ऑनलाइन यदि वो उसकी कमी होगी तो वहीं रुक जाएगा, तो उसमें बंदों की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर वो भी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कोई भी हम चीज़ चेंज करते हैं तो थोड़े दिन परेशानी आती है, तो बहुत जल्दी गुजरात मॉडल लागू हो जाएगा तो इसकी समस्या गाड़ी वाले की ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने पूरा आश्वासन हमको दिया है। चेकिंग पॉइंट इन्होंने बनाए हैं आज ओवरलोड गाड़ियों को रोकने के लिए, बाई चांस कोई ओवरलोड होता है तो टोटल फ्री हो जाएंगे। सरकार तो चेक पॉइंट तो बना सकती है ना, गाड़ियों को चेक करने का अधिकार तो है ना उनका। अपन भी सही चले ना, ओवरलोड यदि कोई गाड़ी भरता है तो उसको दंडित किया जाना, हमने उनको बोला है आप तुरंत उसको दंडित करिए। ओवर हाइट है, जब एक हाइट की लिमिट दी गई है तो ओवर हाइट हम करेंगे तो दंड हमको भरना पड़ेगा ना। मुकाती जी, कई शहरों में हमने देखा है ट्रांसपोर्ट नगर तो बन जाते हैं लेकिन उनका जो मेंटेनेंस है, जो फैसिलिटीज़ है वो ना के बराबर है। आप इंदौर के जो ट्रांसपोर्ट नगर है उसके बारे में कुछ बता सकेंगे? वहाँ का क्या हाल है आजकल? नहीं, अभी इंदौर का जो ट्रांसपोर्ट नगर है वो तो करीब करीब 80% वहाँ रोडें बन चुकी हैं और वहाँ सिक्योरिटी के जो है गेट्स बना दिए गए हैं, CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं और ड्राइवरों के लिए हमने 2 हॉस्पिटल वहाँ, एक आई हॉस्पिटल और एक जनरल चेकअप का, दो वो निरंतर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलते हैं। और आई हॉस्पिटल में उनकी आँखें की जाँचें फ्री होती है, उनको चश्मा फ्री दिया जाता है और साथ में अगर उनको मोतियाबिंद होता है तो उसका एक लेटर हम हमारी एसओपी इशू करती है तो चौथरा हॉस्पिटल उसमें फ्री में उनका ऑपरेशन भी करता है। और जो जनरल चेकअप जो होता है, वहाँ किसी को बुखार हो या कोई लग गई हो, कोई चोट हो, तो उसका भी इलाज होता है। और वो बड़ी अगर ज़रूरत हो इलाज की तो हम अन्य हॉस्पिटल में जाके हम ट्रांसपोर्टेशन लोग उनका इलाज दारों का करवाते हैं। विजय जी, यहाँ से आपको रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे दिख रहा है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज का साहब ट्रांसपोर्ट तो और बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिएगा, अभी का डे बाई डे ट्रांसपोर्ट, जब से रोड अच्छे बन गए हैं तो ट्रांसपोर्ट का काम भी काफ़ी बड़ा है। ये कि गाड़ियों का वेट बढ़ गया है, उससे थोड़ी दिक्कत आती है, नहीं तो गाड़ियों का काम, ट्रांसपोर्ट का काम हमेशा बढ़ेगा। लॉजिस्टिक का काम कभी कम नहीं होगा। देश प्रगति की ओर जा रहा है तो काम भी ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ रहा है। मुकाती जी, आपके हिसाब से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे है? खास करके जो ट्रकर्स हैं, क्या लगता है आगे चल के उनका फ्यूचर क्या रहेगा? नहीं, अब जिस तरह से सरकार ने हमारी बातें सुनना चालू की है तो अब लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोच रही है और सब ट्रक वालों के बारे में भी सोचना चालू किया। अगर सरकार इस तरह से गंभीरता से अगर हर मुद्दे को, हर बात को सुनती है और समस्याओं को हल करती है तो निश्चित है हर ट्रक वालों को जो है अब राहत मिलेगी और फ़ायदा मिलेगा और वो निश्चित बचत की ओर जाएगा। पर साथ में ये है कि सिंगल ट्रक वाला ही ज़्यादा जो है परिवहन नियम कानूनों का उल्लंघन करता है, क्योंकि वो बचत ढूंढने के लिए जल्दी ही मैं गाड़ियों अपनी इंस्टॉलमेंट को फ्री कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा माल भर लूँ, ओवरलोड माल भर लो, हाइट वाला माल भर लो, तो उन्हें देखो परिवहन कानून का नियम का पालन उन्हें अवश्य करना पड़ेगा। और परिवहन कानून के साथ चलेंगे तो कोई अब परेशानी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में नहीं होगी, क्योंकि 1 से 2 महीने के अंदर उनके पास सारे टेक्नोलॉजी के साधन मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। और जो टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि गुजरात मॉडल से भी हम ऊँचा मॉडल हम जो है मध्य प्रदेश में बनाएंगे और पूरा देश मिसाल देगा कि मध्य प्रदेश का मॉडल लागू किया जाए। इस तरह का हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं। फिर मैंने एक और उनको कल सुझाव भी दिया था कि एक हेल्पलाइन नंबर और ऐप भी जारी किया जाए कि ताकि आम पब्लिक को, ड्राइवर को कोई भी परेशानी कहीं पे भी हो तो वो उस ऐप के माध्यम से, जैसे सीएम हेल्पलाइन होती है ऐसे ही परिवहन विभाग की हेल्पलाइन जारी की जाए। तो उन्होंने ये मान लिया गया कि हम जल्द हेल्पलाइन जारी करेंगे। दूसरा, एक मध्य प्रदेश के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया जिसको राज्य सरकार ने मान भी लिया और कल उन्होंने मुझसे फिर चर्चा करी परिवहन मंत्री ने कि इस विषय के ऊपर आपके साथ बैठना और हमें इसको व्यापक रूप पर लागू करना है। मध्य प्रदेश के अंदर वाहन दुर्घटना कोष बनाने का मैंने जिक्र किया था और उनको एक पूरा उसका प्लान बताया था कि अगर 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट किसी भी वाहन से होता है, चालक का या आम पब्लिक का, किसी भी वाहन से किसी भी हॉस्पिटल में जब लेके जाया जाता है तो ले जाने वाला प्रशासन होता है, पुलिस होता है। उस टाइम उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, वही पुलिस और प्रशासन होता है, पर वो हॉस्पिटल में ले जाके छोड़ देते हैं स्ट्रेचर के ऊपर। उसके बाद पूरा काम चालू होता है हॉस्पिटल वालों का। हाँ, जब वहाँ पैसा जमा नहीं होता तो उसका इलाज नहीं होता है और वो गोल्डन आवर होता है एक एक्सीडेंट व्यक्ति के लिए। उस गोल्डन आवर में अगर उसको इलाज मिल जाता है तो कहीं की जान बच जाती है, कई लोगों के हाथ पैर बच जाएंगे। तो वो एक मुफ्त इलाज 1 लाख रुपए तक का मध्य प्रदेश के अंदर हर हॉस्पिटल में सरकार की द्वारा किया जाना चाहिए। अब उस राहत कोष फंड के लिए भी हमने जो उनको सुझाव दिया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड होने वाले वाहन, वह चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कमर्शियल हो, हर वाहन के ऊपर हमें एक निश्चित दर का टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया जाए। जैसे 2 व्हीलर के ऊपर 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के समय हमारे ऊपर टैक्स लगा दें, 4 व्हीलर के ऊपर 2000 लगा दें, कमर्शियल व्हीकल के ऊपर 4 से 5000 रुपये टैक्स हमारे ऊपर लगा दिए और वो टैक्स जो कलेक्शन होता है उतना ही सरकार उसके अंदर उस फंड में डाल दें तो निश्चित एक बहुत बड़ा फंड तैयार हो जाएगा सरकार के ऊपर। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जब भी कहीं एक्सीडेंट होगा और जो एक्सीडेंट व्यक्ति हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका 1 लाख तक का इलाज मुफ्त हो जाएगा। तो कहीं जान बचेगी और कहीं लोगों का हाथ पैर बचेगा। तो बहुत बड़ा पुण्य का काम राज्य सरकार के द्वारा भी किया जाएगा और आम पब्लिक के द्वारा एक अच्छा काम एक मध्य प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। सरकार उसको मान लिया और सरकार उसे जल्द लागू करेगी, ऐसे हमें उम्मीद है। फ्रेंड्स, दैट वाज आवर इंटरेक्शन विद विजय कालरा एंड सीएल मुकाती ऑन अ रेनी आफ्टरनून इन इंदौर। लेट्स नॉट फॉरगेट that the local associations of Madhya Pradesh played a very significant role in this achievement. The on-ground situation is that most trucks are passing through Madhya Pradesh without any harassment or without paying any money. Yes, there are isolated cases where money is being collected, but on the whole, the situation seems under control. Just to put on record, we spoke to about 80 transporters from across India who passed through Madhya Pradesh. More than 90% of them confirmed that their trucks were moving seamlessly without any problem. A few transporters did mention of money being collected, but these are isolated cases as of now. We just hope that the Madhya Pradesh government ensures that these isolated cases are taken care of, and we are 100% sure that the associations of Madhya Pradesh will take up this issue with the government time and again. Friends, on 15th August, a few days from now, we will be celebrating our Independence Day. And on this day, we are proud to announce the launch of a brand new series on Trans India. Eicher presents Moving India with Nai Soch. In this monthly series, we will be talking to transporters and coming up with live examples on how to tackle issues that bother us in our day-to-day working. Issues such as tackling fuel efficiency, or banning night driving, or the benefits of AMC, or the benefits of tire maintenance. We will talk to transporters who have implemented systems in their business which are working perfectly and saving costs for them as well as improving efficiency. So stay tuned on 15th August for the launch of our brand new series, Eicher presents Moving India with Nai Soch. So until Thursday, stay safe and drive safe. Jai Hind.